मैं डॉक्टर आत्माराम बंसल मेदांता में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है वो एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी के बारे में है। आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी का दौरा है, जिसको कुछ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को होती है वर्ल्ड में। इंडिया में इजीली 50 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। एपिलेप्सी, मिर्गी, दौरा, बेहोश होना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम कॉमनली सुनते हैं और इसके बारे में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, यानी ये बीमारी का नाम है। एपिलेप्सी एक बीमारी का नाम हो गया। इसमें जो दौरे पड़ते हैं उनको सीजर्स भी बोलते हैं। तो सीजर आना या दौरे आना उसका एक सिम्टम है। अगर किसी को बार बार सीजर आ रहा है या दौरे आ रहे हैं तो वो एपिलेप्सी बन जाता है। इसके जो अगर हम सिम्टम पे जाएं, एपिलेप्सी के जो कॉमन सिम्टम हैं उसमें क्या है कि बॉडी का स्टिफ होना, झटके आना, बेहोश होना। कुछ लोगों में होता है कि आप कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाते हैं, एक तरफ देखते रहते हैं, मुंह चलाते हैं या हाथ चलाते हैं और कुछ सेकंड तक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक एब्सेंस टाइप या एक स्टैचू टाइप का फिनोमिना हो जाता है और कुछ सेकंड में वो ठीक होता है। अगर यही चीज़ बार बार हो रही है, बच्चों में हो रही है या बड़ों में हो रही है, तो ये मिर्गी के दौरे का एक लक्षण है। कुछ और भी लक्षण है, जैसे बच्चों में जैसे है कि 2-3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, स्कूल में जाता है, टीचर बोलती है कि ये बार बार एकदम से सुन्न हो जाता है, स्टैचू की तरह हो जाता है, ध्यान नहीं देता और 10-20 सेकंड में ठीक हो जाता है। या फिर आप सुबह उठे, आप ब्रश कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, अचानक झटका लगा और आपके हाथ से सामान छूट गया। इसको एक माइक्लोनिक जर्क या ये भी एक एपिलेप्सी का सिम्टम है। एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी बोलते हैं उसके कारण एज के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, उसमें जो कॉमन कारण है कि अगर प्रॉपरली डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, प्रॉपर नहीं हुआ है, ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जा पाई है, तो वो एक कॉमन कारण है। जब बच्चा बड़ा होता है तो ब्रेन का इन्फेक्शन होना उसका एक कारण है। और बड़े लोगों में हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ये सारे कारण कॉमन हैं। टेप वर्म है, ब्रेन में जो है वर्म चला जाता है, वो भी सीजर पैदा कर सकता है। मिर्गी के निदान के लिए सबसे पहला है कि हमें पता करना है ये मिर्गी है भी या नहीं। अगर आपके फैमिली में किसी को ये अटैक आता है तो बेहतर रहता है कि आप उसका वीडियो बना लें, उस टाइम पे अटैक के दौरान क्या क्या होता है, और वो वीडियो आप डॉक्टर को दिखाएं। वीडियो देखने के बाद हमें बेटर तरीका पता चलता है कि ये मिर्गी थी या नहीं थी, और उसके बाद हम ट्राई करते हैं पता करने का कि ये किस टाइप का मिर्गी का दौरा है। मिर्गी भी कई टाइप की होती है, तो MRI करते हैं या EEG करते हैं, उसके बेस पे फाइनल डायग्नोसिस बना के और फिर उसको ट्रीट करते हैं। जो ट्रीटमेंट है मिर्गी के दौरे का, मेनली वो मेडिसिंस हैं, दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ बहुत टाइप की हैं, कुछ नई दवाइयाँ हैं जिनमें जो है साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं। दवाइयाँ कई बार लंबे टाइम तक भी लेनी पड़ती हैं। ज़्यादातर केस में एक दवा से काम चल जाता है, कुछ केसेज में 2-3 दवा भी देनी पड़ जाती है। हाँ, कुछ करीब 10-20% केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम दवा से ठीक नहीं कर पाते हैं, और ऐसे केसेस को हम कॉम्प्लिकेटेड एपिलेप्सी, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी या रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को हम फिर और आगे जांचें करते हैं, स्पेशल टेस्ट करते हैं, जैसे वीडियो EEG है, और ब्रेन का वो पॉइंट पता करने का कोशिश करते हैं जिस पॉइंट से ये दौरा पैदा हो रहा है। अगर वर्कअप करने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाता है तो उस पॉइंट से सर्जरी करके पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। मिर्गी के दौरों के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, अगर सीजर आ गया तो उसको कैसे हम हैंडल करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर झटके आ रहे हैं, आप उन झटकों को रोकने की कोशिश मत करिए, आप उनको लेटा दीजिए। अगर संभव है सिर के नीचे कुछ पिल्लो या कोई सॉफ्ट चीज़ लगा दीजिए जिससे सिर बार बार झटके खा के चोट ना खाए। आसपास कोई शार्प चीज़ है तो उसको हटा दीजिए, और जब झटके ख़त्म हो जाएं तो एक साइड करवट दिला दीजिए, किसी भी एक साइड करवट दिला सकते हैं। मुंह में उस टाइम पे गलती क्या करते हैं, कभी चम्मच
कभी कपड़ा, कभी पानी पिलाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मुँह से पानी तब तक नहीं देना है जब तक पूरी तरह होश ना आ जाए। यूजली ये झटके 1 से 2 मिनट में अपने आप ठीक हो जाते हैं। देखो, मिर्गी को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों में। सबसे पहले ये भ्रांति होती है कि ये मिर्गी का दौरा नहीं है, ये कोई ऊपरी पराई या उस टाइप की कोई बीमारी है। ये एक साइंटिफिक बीमारी है। ब्रेन के माइंड में जो सर्किट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह होते हैं, उनमें स्पार्किंग होने से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी भ्रांति ये कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है, बीमारी कंट्रोल हो जाती है, आप ज़िंदगी में जो चाहें अचीव कर सकते हैं। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने को ये प्रॉब्लम थी और वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एक सक्सेसफुल करियर उनका रहा है और अभी भी वो मतलब सक्सेसफुल हैं। दवा जरूर खाते हैं, कई बार दवा खानी भी पड़ती है लंबे टाइम तक, लेकिन करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी जो एक भ्रांति है वो ये है कि क्या ये ज़िंदगी भर रहता है, क्या इसमें जो है कोई दिमाग का पागलपन हो जाता है, या कोई शादी में कोई दिक्कत आती है, या बच्चों में कोई दिक्कत आती है। ये बीमारी साइंटिफिक तरीके से ट्रीटेबल है, दवा से कंट्रोल हो सकती है। दवा ऑलमोस्ट 50% केसेज में 2-3 साल में बंद भी हो जाती है, बट यस, कुछ केसेज में लंबे टाइम देनी पड़ती है। इस दवा के साथ मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल बच्चा होने के चांस मोर देन 95% है। तो एक फीमेल को आपको ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि अगर ये बीमारी है तो आप आगे अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते।